فکر نہیں کیا کرو میری جان. جی بڑی تو تھی ان کو سندی ہے, اب وہ ٹھیک ہو گئی ہیں. ارباز کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر جا رہے ہیں تو آپ گھر آ جاؤ. بتا رہی ہیں اب میں کس حال میں ہوں گی. If you don't attend my call, I'm coming to your home right now. आपको बहुत बहुत मुबारक हो. खुदसर ड्रामे में अब शाजमा को लगता था कि सिर्फ वही धोखे दे सकती है, वही दूसरों को बेवकूफ़ बना सकती है. अब जब वो खुद बेवकूफ़ बनेगी तभी उसे पता चलेगा जिस लड़के से मोहब्बत की पिंगे मढ़ा रही है वो क्या जाने कि सिर्फ धोखा दे रहा है. शाजमा अपना सब कुछ लुटा देगी, यहाँ तक के उसके पास तो सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं होगी. वो तो सिर्फ उसे धोखा दे रहा है उसे बाहर जाने के लालच देकर. लेकिन अब सोनिया और दिशान की शादी हो जाएगी, चाहे वो शादी मजबूरी में ही क्यों ना हो, लेकिन वो दोनों बहुत खुश होंगे. और नहीं खुश होगी तो सिर्फ शाजमा, बाकी सबको तो उनकी मंजिल मिल ही जाएगी. लेकिन वो लोग जो दूसरों की खुशियों के कातिल बनते हैं, उन्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा दुखी ही रहते हैं. आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं और कौन कौन शाजमा का अंजाम देखना चाहता है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा. मजीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे चैनल पर चलने वाली हर नई अपडेट का नोटिफिकेशन आपको बआसानी और वक्त पर मिलता रहे. शुक्रिया.